हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपने छोटे से किचन का किचन टूर कराने जा रही हूँ। और आज मैं दिखाऊंगी कि मेरा किचन कैसा दिखता है। तो ये मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे ये कर्टेन है और उस तरफ हमारा लिविंग रूम है। और ये देखिए, ये फ्रिज है। मैंने पहले मैं ओवरव्यू दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से मेरा किचन दिखता है। और ये देख सकते हैं, ये मेरी डॉटर ने फ्रिज में लगा के रखा है अपने सारे पेंटिंग्स, और जो भी वो बनाती है वो स्टिक करती है, उसे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। और ये देखिए, ये किचन प्लेटफॉर्म है। और इस तरीके से मैंने कप को अरेंज किया है। और मुझे फ्लावर्स और प्लांट्स रखने का बहुत शौक है, तो मैं किचन में भी रखती हूँ और वो बहुत फ्रेश लुक आता है। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने सॉस के बॉटल को डेकोरेट करके ये फ्लावर भी रखा है। और ये मैंने ये देखिए इस तरीके से उसके अंदर मुरमुरा डाल दिया ताकि वो लुक अच्छा आए। और ये है, और मेरा पैरेलल किचन प्लेटफॉर्म है, तो ये इस तरीके से है। और मैं गैस स्टोव के पास कुछ ऐसे नहीं रखती, कुछ भी सामान ऐसे नहीं रखती ताकि वो थोड़ा सा क्लीन क्लीन और खाली खाली रहे। ऑपोजिट में भी प्लेटफॉर्म है, ये देखिए। ये मैंने अपनी कुछ क्रिएटिविटी जो पहले की है उसको लगा दिया है, वो अच्छा लुक आता है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म है। नीचे मैंने किचन ट्रॉली कराया है, तो मैं अंदर का वीडियो भी बना के दिखाऊंगी, अंदर किस तरीके से मैंने अरेंज किया है। ये देखिए, मैं अब ऑपोजिट साइड वाला प्लेटफॉर्म दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने फ्रिज के ऊपर भी एक फ्लावर जैसा लगा के रखा है और कुछ कुछ सामान है। और इस तरीके से मैं ना किचन का जो ऑपोजिट साइड है, इधर कुछ मसाले के डब्बे वगैरह रखी हूँ। और इस तरीके से मैंने इधर देखिए, ये कुछ एक कार्टन को ही मैंने इसको वो कर दिया था और इस तरीके से रखा है। और इसमें भी मैंने देखिए इस तरीके से पेंटिंग कर दिया था, और इसमें कुछ कुछ सामान रखी हूँ मैं, ये देखिए। और यहाँ पे भी मैंने इसको लगा दिया है, एक था मेरे पास। और इस तरीके से कुछ डब्बे हैं जो इस तरीके से रखे हैं मैंने। और मैं आगे भी दिवाली के टाइम में अभी थोड़ा थोड़ा और डेकोरेट करूंगी और कुछ डब्बों पे क्रिएटिविटी करूंगी। मेरे इस तरीके से मैंने रखा है। और ऊपर भी एक सेल्फ बना हुआ है, उसके अंदर मेरे क्रॉकरीज हैं, क्रॉकरी के सारे सामान रखे हुए हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा किचन कैसा दिख रहा है। ये देखिए, इस तरीके से है। नीचे में भी मैंने कारपेट डाल के रखा है और बहुत ही क्लीन दिखता है। जितना किचन आपका क्लीन रहेगा उतना ही अच्छा लगता है खाना बनाने में, कुकिंग करने में। और इसलिए मैं हमेशा किचन को ना ट्राई करती हूँ क्लीन करने का, और क्लीन रखने का ट्राई करती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मेरा किचन दिखता है। और ये देखिए, सामने का वॉल ऐसे डेकोरेट किया है, तो ये किचन भी ना बहुत परफेक्ट लुक आता है। और जितना आप घर को क्लीन रखिए उतना ही खूबसूरत लगता है। तो मेरा जो ये वीडियो है किचन टूर, ये बस इतना ही है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर से अंदर का मैंने कैसे डेकोरेट किया है, कैसे किचन ट्रॉली में कैसे बर्तनों को रखा है अच्छे से, और ये सब मैं जरूर बनाऊंगी वीडियो। और अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर कीजिए कि कैसा लगा मेरा ये छोटा सा किचन। और ये देखिए, मैं एक बार इधर से भी ओवरव्यू ले लेती हूँ। वो मेरी ड्राई बालकनी है, ये देखिए इस तरीके से मैंने किचन को क्लीन रखा है और डेकोरेट किया है। तो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।